नमस्कार, मैं प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। वीकली रोजगार समाचार में आपका स्वागत है। इस कड़ी में सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है अकाउंटेंट अकाउंट असिस्टेंट। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 84 है। जहां तक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात है तो बीकॉम या फिर सीए इंटर या फिर आईसीडब्ल्यूए इंटर या 6 महीना डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन में टैली के साथ करना अनिवार्य है। उम्र सीमा की बात करें तो अधिकतम उम्र सीमा पुरुषों के लिए जो कि यूआर और ईडब्ल्यूएस के हैं उनके लिए 37 साल है। महिलाओं के लिए जो कि यूआर और ईडब्ल्यूएस की हैं उनके लिए 40 साल है। बीसी एमबीसी महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए 40 साल है। एससी एसटी महिला और पुरुष के लिए 42 साल है। 10 साल की रियायत भी दी जाएगी। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो पुरुष उम्मीदवार के लिए जो कि यूआर ईडब्ल्यूएस बीसी एमबीसी के हैं उनके लिए 500 रुपए हैं। महिला अभ्यर्थियों के लिए जो कि यूआर ईडब्ल्यूएस बीसी एमबीसी के हैं उनके लिए 250 रुपए, दोनों महिला और पुरुष उम्मीदवार जो कि एससी एसटी से हैं उनके लिए और जो कि बिहार के रहने वाले हैं उनके लिए 250 रुपए, बाकी डिवाइन बॉडी कैंडिडेट्स के लिए 250 रुपए है। आखिरी तारीख 28 जनवरी 2021 तय की गई है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार .org पर जाकर आप आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीपीएससी की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है यूपीपीएससी कंबाइंड एग्रीकल्चरल सर्विस एग्जामिनेशन। पद का नाम है डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर प्रिंसिपल गवर्नमेंट फूड साइंस ट्रेनिंग सेंटर फूड प्रोसेसिंग ऑफिसर सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 564 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अभ्यर्थियों के पास बैचलर्स डिग्री इन साइंस इन एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर या केमिस्ट्री या फिर मास्टर्स डिग्री इन फ्रूट और वेजिटेबल या फिर एमएससी फूड टेक्नोलॉजी या फूड प्रिजर्वेशन किसी भी समकक्ष सब्जेक्ट में होना अनिवार्य है। जहां तक उम्र सीमा की बात करें तो 21 से 40 साल तय की गई है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 125 रुपए, एससी एसटी को 65 रुपए, पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों को 25 रुपए देने होंगे। आखिरी तारीख 29 जनवरी 2021 की तय की गई है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट www.uppsc.up.nic.in पर जाकर आप आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एचएसएससी पंचकुला की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है कांस्टेबल जीडी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 7298 है। जहां पर पुरुष जीडी को 5,500 रुपए देने होंगे, महिला जीडी को 1,100 रुपए देने होंगे, महिला एचएपी दुर्गा एक को 698 रुपए देने होंगे। इसके साथ ही अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10+2 या इसके समकक्ष कोई डिग्री होना अनिवार्य है। इसके साथ ही उम्मीदवारों का हिंदी में पढ़े होना भी अनिवार्य है। इसके साथ ही संस्कृत भी मैट्रिक लेवल तक एक सब्जेक्ट होना अनिवार्य किया गया है। जहां तक उम्र सीमा की बात है तो 18 से 25 साल तय की गई है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यूआर ईडब्ल्यूएस और दूसरे स्टेट के कैंडिडेट को 100 रुपए देने होंगे, महिला यूआर हरियाणा की रहने वालों को 50 रुपए देने होंगे। रिजर्व्ड कैटेगरी पुरुष अभ्यर्थियों को जो कि सिर्फ हरियाणा के रहने वाले हैं उन्हें 25 रुपए देने होंगे। वहीं रिजर्व्ड कैटेगरी महिलाओं को जो कि सिर्फ हरियाणा के रहने वाले हैं उन्हें 13 रुपए देने होंगे। आखिरी तारीख 10 फरवरी 2021 तय की गई है, जो कि आप आधिकारिक वेबसाइट www.hssc.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे ज्वाइंट रिक्रूटमेंट बोर्ड जेआरबीटी त्रिपुरा की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। का नाम है मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस ग्रुप डी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 2500 है। जहां तक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात है तो यूआर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के उम्मीदवारों को 8वीं पास होना अनिवार्य है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के उम्मीदवारों को 5वीं कक्षा पास होना अनिवार्य है। उम्र सीमा की बात करें तो 18 से 41 साल तय की गई है। इतना ही नहीं, उम्र में रियायत देने की बात भी कही गई है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यूआर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी को 200 रुपए देने होंगे, एससी एसटी को 150 रुपए देने होंगे, पीएच कैटेगरी को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आखिरी तारीख 11 फरवरी 2021 तय की गई है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट employment.tripura.gov.in पर जाकर आप आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एमपीपीएससी की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम या परीक्षा की बात करें तो ये स्टेट सर्विस एग्जाम एसएसई, स्टेट फॉरेस्ट एग्जाम एसएफई। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 346 है। जहां तक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात है तो बैचलर्स डिग्री का होना अनिवार्य है। उम्र सीमा की बात करें तो 21 से 40 साल तय की गई है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यूआर ईडब्ल्यूएस और दूसरे श्रेणी के उम्मीदवारों को 500 रुपए देने होंगे। जहां तक एप्लीकेशन फीस की बात है तो यूआर ईडब्ल्यूएस और दूसरे स्टेट के उम्मीदवारों को 500 रुपए देने होंगे। रिजर्व्ड कैटेगरी जो कि मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं उन्हें 250 रुपए देने होंगे। आखिरी तारीख 10 फरवरी 2021 तय की गई है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट mppsc.nic.in पर जाकर आप आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है डिस्ट्रिक्ट जज। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 85 है। जहां तक एजुकेशन
और क्वालिफिकेशन की बात है तो बैचलर्स ऑफ लॉ के साथ साथ 7 साल का लॉ प्रैक्टिस भी जरूरी है। उम्र सीमा की बात करें तो 35 से 45 साल तय की गई है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस को और बाकी दूसरे स्टेट के कैंडिडेट को 1100 रुपए देने होंगे, एससी एसटी को 550 रुपए देने होंगे। आखिरी तारीख 27 फरवरी 2021 तय की गई है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो hcraj.nic.in पर जाकर आप आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ECGC की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है प्रोबेशनरी ऑफिसर PO। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 59 है। जहां तक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात है तो अभ्यर्थियों के पास ग्रेजुएशन की डिग्री होना अनिवार्य है। उम्र सीमा की बात करें तो 21 से 30 साल तय की गई है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी के श्रेणी को 700 रुपए देने होंगे, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वालों को 125 रुपए देने होंगे। आखिरी तारीख 31 जनवरी 2021 तय की गई है। आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप www.ecgc.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है हायर जुडिशियल सर्विस HJS। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 98 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो बैचलर्स डिग्री इन लॉ के साथ साथ 7 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस वकील के तौर पर होना अनिवार्य है। जहां तक उम्र सीमा की बात है तो 35 से 45 साल तय की गई है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यूआर ओबीसी और दूसरे स्टेट के कैंडिडेट को 1250 रुपए देने होंगे, एससी एसटी को 1000 रुपए देने होंगे। आखिरी तारीख 19 फरवरी 2021 तय की है, जो कि आधिकारिक वेबसाइट www.allahabadhighcourt.in पर जाकर आप आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है स्टाइपेंडरी ट्रेनी कैटेगरी 1, स्टाइपेंडरी ट्रेनी कैटेगरी 2 टेक्नीशियन। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 160 है। जहां तक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात है तो डिप्लोमा ट्रेड या बीएससी 60% अंकों के साथ या 10+2 साइंस फिजिक्स के साथ, केमिस्ट्री और मैथ्स के साथ 60% अंकों का होना, या फिर मैट्रिक पास 60% अंकों के साथ किसी भी समकक्ष ट्रेड में, या डिप्लोमा या फिर मैट्रिकुलेशन 60% अंकों के साथ और ट्रेड सर्टिफिकेट का होना अनिवार्य है। उम्र सीमा की बात करें तो न्यूनतम उम्र सीमा 18 साल तय की गई है, वहीं अधिकतम उम्र सीमा 25 साल तय की गई है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो पोस्ट कैटेगरी 1 के लिए जो कि यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस ट्रेनी के हैं उनके लिए 150 रुपए, पोस्ट कैटेगरी 2 और दूसरे जो कि जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के हैं उनके लिए 100 रुपए, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा, बाकी सभी श्रेणी की महिलाओं को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आखिरी तारीख 31 जनवरी 2021 तय की गई है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट की बात करें तो आप www.bark.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे इंडियन आर्मी की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है जूनियर कमीशन ऑफिसर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 194 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो ग्रेजुएशन की डिग्री होना अनिवार्य है। जहां तक उम्र सीमा की बात है तो 25 से 34 साल तय की गई है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो आवेदकों को इन पदों के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आखिरी तारीख की बात करें तो 9 फरवरी 2021 तय की गई है, जो कि आप आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे कलकत्ता हाईकोर्ट कोलकाता की तरफ से निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है डेटा एंट्री ऑपरेटर, सिस्टम एनालिस्ट प्रोग्रामिंग, सीनियर प्रोग्रामर, सिस्टम मैनेजर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 159 है। जहां तक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात है तो बीई या बीटेक 5 से 10 साल के एक्सपीरियंस के साथ होना अनिवार्य है। उम्र सीमा की बात करें तो न्यूनतम उम्र सीमा 26 साल तय की गई है, वहीं अधिकतम उम्र सीमा 45 साल तय की गई है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो डेटा एंट्री ऑपरेटर जो कि यूआर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के हैं उनको 800 रुपए देने होंगे, एससी एसटी को 400 रुपए देने होंगे, सिस्टम एनालिस्ट जो यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस के उनको 1200 रुपए देने होंगे, एससी एसटी को 600 रुपए देने होंगे, सीनियर प्रोग्रामर की बात करें तो यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 1500 रुपए देने होंगे, एससी एसटी को 700 रुपए देने होंगे, सिस्टम मैनेजर की बात करें तो यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 1500 रुपए देने होंगे, एससी एसटी को 700 रुपए देने होंगे। आखिरी तारीख 27 जनवरी 2021 तय की गई है। जहां तक ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो आप www.calcuttahighcourt.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।